अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीब जावेद और आप देख रहे हैं एम मुनीब जावेद यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग का इजी आसान तरीका लेके आया हूं, जो एक नया आइडिया आपको ऑनलाइन अर्निंग का देने वाला हूं, यकीन करें कि आप इस आइडिया को सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई पहले क्यों नहीं बताया। दोस्तों, आपने अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर आपने स्टडी किया तो आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, टीचर ने असाइनमेंट दी होगी तब बनाए होंगे, या आपने अपनी पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे किसी न किसी सब्जेक्ट के, तो आपने ज़्यादा नोट्स बनाए होंगे, या फिर आपने वो नोट्स जो हैं वो बाय स्टेशनरी से जाकर बाय किए होंगे ताकि आप स्टडी कर सकें, आप उनके साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। लेकिन बाद में पाकिस्तान में उन नोट्स का क्या किया जाता है? अब वहाँ उन नोट्स को दो कामों में लाया जाता है। पाकिस्तान में पहला काम ये होता है कि अगर जब हमने स्टडी कर ली, उठा के रद्दी वाले को दिए, वहाँ से पतीसा ले लिया, छोटे भाइयों ने बेच दिए, या फिर रद्दी वाले को देकर वहाँ से चार पैसे ले लिए। काम ये होता है कि अगर हम पढ़ाकू बच्चे हैं, मतलब मैं तो नहीं था यार, अगर आप पढ़ाकू हैं और आपको किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप वो नोट्स उठा के एक अलमारी में सजा के रख देंगे, जैसे कि मेरी एक अलमारी भरी हुई है किताबों से, तो हमारे वो नोट्स उन अलमारियों की जीनत बन जाते हैं और वहाँ ना वो अंडे देते हैं, ना बच्चे देते हैं और ना ही हमें पैसे कमा के देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उन्हीं नोट्स के जरिए जो आप रद्दी में 10 15 20 100 रुपए के इवज सेल कर देते हैं या आपकी अलमारियों में पड़े रहते हैं जहां से आपको उनका कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता, आप उन्हीं नोट्स के जरिए अर्निंग कर सकते हैं। जी हां, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, घर बैठे हुए बिल्कुल फ्री में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जस्ट आपने उन नोट्स के जरिए अर्निंग करनी है। कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, मुकम्मल डेटा, मुकम्मल तफसील, डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। अगर आप लाइफ टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, आप ये काम एक दफ़ा करेंगे और सारी उम्र आपको अर्निंग आती रहेगी। तो दोस्तों, बिना टाइम जाके चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी साइट पर आपने जाके सेल करने, कैसे सेल करने, मुकम्मल प्रोसेस होगा आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की होती है, निकुएस नोट्स, NEXUSNOTES.com। ठीक है, अगर आप ये गूगल सर्च करते हैं तो आपके पास ये साइट आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है और ये इसका डैशबोर्ड है और यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपको ये नज़र आ जाएगा, गेट हाई क्वालिटी वेरीफाइड नोट्स फ्रॉम योर स्कूल, प्रोफेशनल कोर्स और यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब नोट्स खरीदना चाहते हैं, आपने कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप वहाँ इन नोट्स को बाय भी कर सकते हैं, यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से अर्निंग करनी है। ठीक है, मेक मनी सेलिंग योर कोर्स नोट्स वाइल हेल्पिंग अदर्स लर्न। ठीक है, आपने यहाँ पे आके अपने नोट्स सेल करने हैं। कैसे सेल करने हैं, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ईजी सा तरीका है। अब मेड फॉर योर कोर्स, ये इनकी गारंटीज़ हैं कुछ, और वट आवर यूजर्स आर सेइंग। अब यहाँ पे जो जिन्होंने बाय किए हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। निकुएस नोट्स प्रोवाइडेड मी विद अ सिमिलर वे टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टॉपिक्स इन माई डिग्री, बींग एबल टू परचेज नोट्स, जो भी ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद ये एक रिव्यू और, आई फर्स्ट यूज निकुएस नोट्स वाइल डूइंग अ वेरी हैवी कोर्स लोड वन सेमेस्टर। ये सारे इनके रिव्यूज़ हैं, आपने आके ज़रूर पढ़ लेने हैं, आपको तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो बंदे सेल कर रहे हैं यहाँ पे नोट्स, वो क्या कह रहे हैं, आई विश आई वुड नो अबाउट निकुएस नोट्स अर्ली। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पहले इस वेबसाइट के बारे में जान लेता और मैं पहले से ही अर्निंग स्टार्ट कर लेता। जैसे अब आप कह रहे होंगे कि भाई पहले ये आइडिया हमें क्यों नहीं बताया, इतना ईजी काम और हम जो है वो आपने पहले नहीं बताया, तो भाई अब तो बता रहा हूँ ना यार। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसके वेबसाइट है, सिंपल इजी सी वेबसाइट। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड नोट्स के, आपने किस तरह के नोट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। आपने इस तरह के नोट्स बनाने हैं, ये नोट्स आपने खुद से टाइप नहीं करने हैं, लिखने नहीं हैं, कुछ नहीं करना। आपके पास जो बने बने नोट्स आपके पड़े हुए हैं, आपने उनकी पिक्स बनानी है, उनको PDF फाइल में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। कैसे करना है वो भी मुकम्मल प्रोसेस इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 45 पेजेस का नोट है, उसके बाद 11 पेजेस का, 18 पेजेस का, और ये वही नोट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने कॉपीज़ अपनी बनाई हुई हैं और रजिस्टर्स बनाए हुए हैं, वहीं से कॉपी उन्होंने पिक बना के यहाँ पे अपलोड कर दिए, नोट्स अपलोड कर दिए हैं। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से नोट दोबारा से क्रिएट करने की, टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट आपने पिक्स बनानी है और यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, ये सारे नोट्स पड़े हुए हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 602 पेजेस हैं और टोटल नोट्स यहाँ पे कितने अपलोड हैं,
जी यहाँ पे 13,000 प्लस नोट्स अपलोड हैं। ठीक है, अब टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं जहाँ पे ये नोट्स जाके सेल हो रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, न्यू साउथ वेल्स और टेक्सटन, और यहाँ पे मेलबर्न, और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एरियाज़ ये हैं, टॉप कंट्रीज़ ये हैं जहाँ पे ये नोट सेल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ये टाइप है, कंट्री है, ये तो वो उन लोगों के लिए जो यहाँ से बाय करना चाहते हैं। ठीक है, और जब आपने सेल करना है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे आना और अपलोड नोट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अपलोड नोट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड इनका ओपन हो जाएगा, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब वो यहाँ पे आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पे अपनी फाइल, अपने नोट्स जो हैं वो अपलोड करें। ये देखें, अपलोड डॉक्यूमेंट, ऐड डिटेल्स, मेक मनी। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, डेल ऐड करें और कमाना स्टार्ट कर दें। और दोस्तों, अगर आप एक दफ़ा यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने नोट्स अपलोड कर देते हो तो लाइफ टाइम आप यहाँ से अर्निंग करते हो। जैसे जैसे आपके नोट्स सेल होंगे, जैसे वैसे वैसे ही आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी और डेली बेसिस पे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपने, ड्रॉप योर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हेयर। अब पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है। अब पीडीएफ फाइल आप नोट्स कैसे आपने बनाने हैं, कैसे क्रिएट करने हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ और एक न्यू फाइल जो है फोल्डर ले लेता हूँ, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आपके पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है तो आप ये कैसे काम कर सकते हैं। आप बिल्कुल यही सेम अपने काम जो है वो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, और मोबाइल में करना और भी आसान है। जब आपने पिक्स बनानी, तो जाहिर सी बात है आपने पिक्स जो है वो अपने मोबाइल से बनानी है। तो पिक्स बनाने के लिए आपको एक ऐप बता देता हूँ, कैम स्कैनर के नाम से। जैसे ही आप उस पर पिक बनाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट पेज की पिक आपको कट करके दे देगा। आपको पिक सेट करने की, क्रॉप करने की, उसको एडिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने वो डाउनलोड कर लेना है, उसके ज़रिए पिक्स बना लेनी है। अगर तो आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अपने मोबाइल में ही उनको एक फाइल डॉक्यूमेंट में बनाकर पीडीएफ फाइल में अपलोड करके और वो फाइल सेव करके यहाँ पे अपलोड कर दें। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप इस तरीके से आकर, या आपके पास कंप्यूटर है तो आप इस तरीके से आकर एक मुकम्मल फाइल बनाकर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक फ़ाइल ओपन हो गई। अब जस्ट सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल है, आप पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं, और मैं ईजी तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पिक्स हैं तो मैं यहाँ पिक पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड कुछ पिक्स हैं जो नोट्स की पिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक इस पर क्लिक किया, ओपन कर लिया, और इसको मैं यहाँ पे इनका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट रो में चले जाते हैं और दूसरी पिक मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली पिक अपलोड होगी, इसको मैं क्लिक करके इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी पिक्स अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये इमेज अपलोड कर ली है, ये तीसरी पिक हमारी आ गई है, और इसको भी हम खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आपने इसी तरह सारी की सारी इमेज जो हैं वो आके अपने जो भी है, जितने भी आपने इमेज बनाई हो, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, किसी भी नोट्स की, तो आपने आकर यहाँ पे वो अपलोड कर लेनी है। जैसे आप सारी अपलोड करते जाएंगे, और अगर आप इसमें अपने नोट्स में खूबसूरती लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पेज पे जो है वो टॉपिक है यूट्यूब है, ठीक है, ये टॉपिक है, तो आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं और उस पेज के रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा जो है कर दिया, बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे मैं ये इसका टॉपिक लिख दिया कि यूट्यूब, ये टॉपिक है, ये इस पेज पे ये यूट्यूब टॉपिक है, और यहाँ पे इस पेज पे फलां टॉपिक है। आप टॉपिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आप जस्ट सिंपल नोट्स एक तरतीब वाइज अपलोड कर देते हो तब भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये जो फाइल है ये कंप्लीट कर ली, इस तरह सारी तस्वीरें इसमें ऐड कर ली, उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना। जैसे सेव पे क्लिक करके ये पिक जो है, ये तस्वीर, ये हमारे पास फाइल जो है वो सेव हो गई है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसी तरह अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो आप सिंपली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैं ये न्यू टैब में जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक साइट है जो कि बिल्कुल फ्री में आपको कन्वर्ट करके दे देती है, डॉक्यूमेंट पीडीएफ, डॉक्यूमेंट टू वर्ल्ड, हर चीज़ आपको कन्वर्ट कर देगी। ये क्या है, फ्री पीडीएफ कन्वर्ट.com, आप ये गूगल सर्च करेंगे तो आपके पास ये साइट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे तो ये डैशबोर्ड है इसका, वर्ल्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, वर्ल्ड टू पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ, चूज वर्ल्ड फाइल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो हमारी फाइल थी डेस्कटॉप में जाते हैं जी, कौन सी फाइल है, ये वाली हमारी फाइल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें एक मिनट के अंदर अंदर ये हमें
कन्वर्ट करके दे देगी ये फाइल, ठीक है। ये जी डाउनलोड कर लें, ये हमारी फ्री जी डाउनलोड स्टार्ट और ओपन। तो ये हमारी अब फाइल जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब हमारी पीडीएफ में ये फाइल कन्वर्ट हो गई है और मैं जाता हूँ फिर अपनी साइट पे, और यहाँ पे आपने आ जाना है और ब्राउज़ पे क्लिक करके जो आपने फाइल जो है वो डाउनलोड की हो, अब यहाँ पे हमारी फाइल कहाँ चली गई, डॉक्यूमेंट्स, और जी ये हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड होके आई थी। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ और ये जी सबमिशन एडिट हो गई है, यहाँ पे ये मेरी फाइल अपलोड हो गई है। उसके बाद हमने ये डिटेल ऐड करनी है, ठीक है, नीड मोर इन्फो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने टाइटल देना है कि ये किस बारे में, जैसे मैं कह देता हूँ कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के बारे में है, ठीक है, ठीक ऑनलाइन। ये मैंने टाइटल में जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अपने नोट्स के लिहाज से इसको जो है वो डिफाइन करना है, उसके लिहाज से जो आप जिस बारे में नोट्स है उस वही टाइटल आपने देना है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो भी आप जो है वो कर सकते हैं, जिस जो भी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपने कोर्स नेम दे देना है, यूट्यूब, ठीक है, मैं जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। आपने जो है वो कोर्स कोड आपने यहाँ पे दे देना, कोड ऑफ कोर्स जी 1102, ठीक है। उसके बाद आपने फील्ड चूज कर लेने, किस फील्ड में, हेल्थ है, लॉ है, बिजनेस है, जो भी है। तो मैं यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ईयर थ्रोइड ये है, और प्रोफेसर लेक्चर जो भी जिस प्रोफेसर का लेक्चर है आपने वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, मुनीब मेरा लेक्चर है। उसके बाद ग्रेड आपने लिख देना है कि कौन से ग्रेड का ये कोर्स है, और ग्रेड है बी ग्रेड है, ठीक है, ए का लिख देता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन छोटी सी आपने नॉर्मल से लिख देनी है। यहाँ पे आपने सिंपल सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है अपने कोर्स के बारे में कि आप ये कोर्स किस, आपके ये कोर्स किस टॉपिक के रिलेटेड है, लोग इसको क्यों बाय करें और उनको क्या बेनिफिट होगा इससे। तो आपने एक डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। उसके बाद सबमिट फॉर रिव्यू के लिए मैं इसको कर देता हूँ, और ये ग्रेट जॉब, आपका जो नोट्स है वो रिव्यू के लिए चला गया है, ठीक है। ऐसे आपने आके यहाँ पे अपलोड करना है आपने इन नोट्स को, और ऐसे नोट्स क्रिएट करके आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। अब आपने इस साइट पे जो है वो लॉगिन कैसे होना है, मेन चीज़ जो है आपने इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान सा तरीका है। यहाँ पे मैं लॉग आउट कर देता हूँ अपनी जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने लॉग आउट कर दिया। अब जैसे आप इस साइट पे आएंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ईमेल और आपका पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने इस पे अकाउंट नहीं बनाया हो तो यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल इंटर करेंगे और पासवर्ड इंटर करेंगे। उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक मेल आ जाएगा, आपने वो मेल कन्फर्म कर देना, और कन्फर्म करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे आके दोबारा लॉगिन कर लेना है। तो आपका ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, कोई डिटेल ज़्यादा ऐड नहीं करनी, जस्ट आपने ईमेल और पासवर्ड देखे यहाँ पे साइन अप कर लेना है। तो यार कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। फ्रेंड्स यदि आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस बारे में, इस वीडियो के, मेरी किसी भी वीडियो के रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, और नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लाला हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।